एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और दोस्तों, आज ना हम लोगों ने थोड़ा सा अपने रूम को अरेंज करना शुरू किया है। बहुत आवाज़ आ रही है। और आपको पता है, हम लोगों को ना पहले शुरू में मम्मा बिट्टू दोनों मिलके यही काम करते थे। हम लोगों को बस अलग अलग वॉल को सजाना रूम में, आज इस तरफ का पोर्शन कुछ अलग कर देते हैं, फिर एक हफ्ते बाद उसे फिर से चेंज करना, मतलब एक जैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम लोग हमेशा मिलके ये काम करते थे। तो अब उत्कर्ष के एग्जाम्स फिनिश हुए हैं तो फिर से हमें मौका मिला है ये सारी चीज़ें करने का। और काफ़ी समय बाद मैंने ये चीज़ें की हैं, मतलब लॉकडाउन के बाद से शायद हम अब ये चीज़ें फिर से दोबारा से कर पा रहे हैं दोनों लोग मिलके। बड़ा मज़ा आता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि पहले सारी चीज़ें मैं अकेले सोचती थी, लेकिन अब उत्कर्ष भी बराबरी से सोचते हैं कि मम्मा यहाँ पे ये होना चाहिए, मम्मा यहाँ पे ये होना चाहिए। और कुछ भी अगड़म भगड़म ले आते हैं कि मम्मा ये भी कहीं थोड़ा सा डेकोरेट कर दो, मेरा ये खिलौना भी डेकोरेट कर दो। तो मज़ा आ रहा है। और मुझे लगता है ये जो कुछ दिनों की छुट्टियाँ हैं ना, ये ऐसे ही निकल जाएंगी। और जैसे ही हम लोगों ने अपना रूम अच्छे से सेट किया है, वैसे ही जो है लाइट आज इतनी ज़्यादा जा रही, इतना पावर कट हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। 6 बार हो चुका है, आधे आधे घंटे बिल्कुल आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो हम लोग ठीक से एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी समस्या क्या हुई है, कॉलोनी में पानी की समस्या चल रही है इस टाइम में। कम से कम 3 से 4 दिन हो गए शायद पानी नहीं आ रहा था, और हम लोगों को ये बात नहीं मालूम थी। हमारी तो टंकियाँ भरी रहती हैं, तो हमारा काम तो चल जाता है। आज जब एकदम से पानी तली छू गया, तब एक सबको लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आज जो है टैंकर आया था गली में, हमारी कॉलोनी में, और उत्कर्ष ने वो फर्स्ट टाइम देखा था। उत्कर्ष को इतना मज़ा आ रहा था कि टैंकर में इतना सारा पानी है, मम्मा लाओ और भरेंगे और भरेंगे। इसने और इसके चाचू ने मिलके बहुत सारा पानी, कम से कम 20 बकेट पानी जो है भर लिया है। सारे लोग लगे हुए थे और इसने पहली बार देखा है ये सारा सीन, तो ये इंजॉय भी कर रहा था। और मैंने तो बहुत दिनों बाद देखा है। खैर हम लोगों को कभी ऐसी कोई ज़रूरत तो पड़ी नहीं। जब मैं कलकत्ता में थी तब हम लोग बारीक से पानी खरीदते थे, 5 रुपये में 1 बकेट पानी देता था वो। ये पानी की क्राइसिस मैंने ना यूजुअली कलकत्ता में और जब मैं पुणे में थी तब उस टाइम पे ही फेस की है। अदरवाइज मैसूर में, बनारस में कहीं हमें पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन आज जो है भीषण समस्या हुई है भाई। आज मुझे मम्मा, हाँ जी बोलो। टैंकर बहुत बार देखा है। तुमने क्या सवाल पूछा था अंदर आके कि मम्मा उसमें इतना सारा पानी कैसे था? मतलब पहले मुझे नहीं पता था, अब पता है। चलो ठीक है। तो मम्मा ने भी ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन हाँ जब भी देखा है तो देखा ही है भाई। बहुत ज़्यादा क्राइसिस होती है पानी के बिना, कैसे कल्पना की जा सकती है। आज मैंने सच में इसे फेस किया है। पता तो हमें कल ही चल गया था कि पानी कॉलोनी में शायद नहीं आ रहा है, लेकिन आज हमारे घर भी क्राइसिस हुई थी। कम से कम 6-7 बकेट ही पानी बचा था हमारे पास। उसमें से भी हमारी पीने वाली जो टंकी थी उसे हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि पीने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए, अगर पानी नहीं आया तो। बाकी 6 बकेट में से हम लोग क्या क्या करने वाले थे भगवान ही जाने। और मुझे जब ये चीज़ करने को कही गई तो मेरे तो हाथ पैर वो हो जाते हैं कि अरे कैसे, कम पानी में मैं कैसे काम करूँगी, कम पानी में कैसे होगा, ये होगा वो होगा। और ना मैं बहुत खुश थी क्योंकि कल ना कॉलोनी में कहीं पर काम नहीं लगा, पानी ही नहीं था, सिंचाई विचाई ही नहीं हुई, तो सारे लेबर लोगों की छुट्टी हो गई। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो आज नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। तो भगवान जी ने ना अच्छी सजा दी। वो कहते हैं ना, दूसरे के घरों पे जो पत्थर मारते हैं उनके अपने घर जो है वही हाल हो रहा था। आज सुबह वैसे ही महसूस हो रहा था कि जब लगाना कि कम पानी में आपको काम करना है, और हकीकत में ये एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि आदत ही नहीं है ना, फटफट हाथ धोना है, ये इधर से धोया, गंदा पानी उधर फेंका, ये सारी आदतें, हर चीज़ आना चाहिए, हर तरह का मैनेजमेंट आना चाहिए। सो भैया, ज़िंदगी हर चीज़ सिखाती है। कम स्पेस में आप कैसे रह सकते हो, कम पानी में आप कैसे काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारे नए नए कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और इधर बीच ना पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। और आज हमारे यहाँ ना मौसम भी बहुत अजीब है, बादल बादल बादल, अजीब सा मौसम, वो होता ना बुझा बुझा सा, कुछ ऐसा मुझे लग रहा था आज सुबह से। तो आज का पूरा दिन ही अजीब सा बीता है मेरा, मतलब अभी बीता तो नहीं है लेकिन अभी तक का दिन थोड़ा ऐसे ही बीता है। और रही बात अपने कमरे को सजाने वजाने की, तो थोड़ी सी क्लीनिंग हो गई है, थोड़ी सी साफ़ सफाई हो गई है। इनके जो बुक्स वगैरह हमें अच्छे से रखनी थी वो हमने रख दी है। आगे छुट्टियों में इनको क्या पढ़ाना है वो सारा सब कुछ देख लिया। ये कोई राइटिंग का काम कर रहे हैं कुछ सीखने का। उत्कर्ष ने आज बोला कि मम्मा मैं अपनी हैंड राइटिंग ही इम्प्रूव अभी करूँगा। और क्या लैपटॉप में क्या सीख रहे थे? पेंट,
वो लैपटॉप हर समय डिलीट कर देता था सब कुछ। उसकी सेटिंग बदलना पड़ेगी, सेटिंग ठीक कर देंगे तो आ जाएगा आपको। तो यही सारी कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों की थी, इसलिए और कुछ खास तो हो नहीं पाया, और तब तक खास नहीं होगा जब तक ठीक से पानी नहीं आ जाएगा, पावर नहीं आ जाएगा। तो ये तो हो गई घर गृहस्थी की समस्याएं जिनसे हम जूझ रहे थे भाई, सभी लोग इन्हीं सब चीज़ों को फेस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक मज़ेदार बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि कई लोग जो है अपने एम से भटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी चीज़ को बहुत उत्साह से शुरू करते हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, या जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता है, तो वो लोग निराश हो जाते हैं। कई लोग तो छोड़ ही देते हैं, कई लोग जो है उसे फिर बुझे मन से कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उत्साह उनके अंदर नहीं होता है। तो ना हमेशा एक ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो एक तो तुरंत के तुरंत उसका अगले दिन ही रिजल्ट आने की हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि अगले दिन ही सुबह जो है हमें उसका परिणाम देखने को मिल जाए। हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, कोई भी सीड लगाते हैं, वो भी एक अंकुर फोड़ने में समय लगता है उसमें भी, और उसमें भी सारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तभी अंकुरित होता है वो, और एक छोटू सा नन्ना सा पौधा बनता है और पौधे से फिर वो बड़ा सा प्लांट बनता है। तो जब उसमें इतनी सारी चीज़ें लगती हैं, इतना सारा प्रोसेस लगता है कि अब तो लगता है पॉज कर करके बोलना पड़ेगा, तो फिर हमारी मेहनत का परिणाम हमें तुरंत कैसे मिल जाएगा। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ में आपको महारत हासिल करना है, तो आपको लगातार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, लगातार उस काम को करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको उसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैसे भी आप लोग आज के ज़माने का चलो छोड़ दो, बहुत फास्ट ज़िंदगी है आज की, लेकिन हमें हमेशा ना अपने एग्जाम्पल्स अपने इतिहास से लेना चाहिए, हमें हमारे बीते हुए जो लोग हैं उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो लोग क्या चीज़ें करते थे। उस टाइम में समय धीरे धीरे निकलता था, लेकिन आजकल बहुत जल्दी फास्ट हो जा रहा है। पलक झपकते ही आप दूसरे सिटी में खड़े हो जाते हैं, पलक झपकते ही आप दूसरी कंट्री में खड़े हो जाते हैं। तो ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लड़खड़ा रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, तो आप अपने पास्ट से, अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, बीते हुए कल में जिन लोगों ने इतिहास रचा है आप उनसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि विद्यार्थी सारे होते हैं, सबको गुरु एक जैसी शिक्षा देता है, लेकिन कुछ एक दो विद्यार्थी ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा अव्वल होते हैं, हर एक चीज़ में परफेक्ट होते हैं, हर एक चीज़ में ब्रिलियंट होते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन इस चीज़ पे होता है कि गुरु उन्हें क्या सिखा रहे हैं, प्लस वो उसी चीज़ को बार 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 रिवाइज करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, बार बार उस चीज़ को आत्मसात करते हैं, और उस चीज़ में अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को गुरु ही सुलझाता है, उसका समाधान गुरु ही बताता है, तो उसे भी बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत होती है, ताकि जीवन में अगर आगे कभी इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ जाए, कुछ भी मुश्किल आ जाए, तो हम उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढ लें। तो हर एक चीज़ प्रयत्न करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अगर एक बार निराशा हाथ लगी है तो उसे बार बार करते रहो, एक बार तो ज़रूर से सफलता मिलेगी, और जब आपको सफलता मिलेगी वो अनुभव आपके काम आएगा, और फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। मुझे यही लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं सोचती हूँ छोड़ो यार क्या मैंने शुरू कर दिया, ये तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से करने पे चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वो मेरी अपनी खुद की मेहनत होती है ना, तो और ज़्यादा प्राउड फील होता है अपने ऊपर। लेकिन उसका सब सारे चीज़ों एक मूल मंत्र है अभ्यास, एक मूल मंत्र है प्रैक्टिस। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रयत्न करते रहिए, लगे रहिए, जुटे रहिए, चीज़ें आपको ज़रूर से मिलेंगी, सफलता आपको ज़रूर से मिलेगी। अगर आपने छोड़ दिया तो सफलता कैसे मिलेगी, वो चीज़ तो वहीं की वहीं छूट गई। तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है, बस यही मुझे आपसे कहना है। सो अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन है, ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं खींचूंगी। तो आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ढेर सारा। थैंक यू, बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।